तो अगर आप भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और ख़ास तौर से प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, यानी फ्लैक्स बोर्ड, बैनर, हैंडबिल, प्रिंटिंग मीडिया का कोई भी डिज़ाइन अगर आप कर लेते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। इसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने पुराने डिज़ाइन से पैसा कमा सकते हैं, और आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। मान के चलिए कि अगर आपके पीसी में कोई भी ऐसा डिज़ाइन है जिसने आपको डिज़ाइन जिसको आपने डिज़ाइन करके कस्टमर को प्रिंट करके तो दे दिया, कस्टमर से आपने पैसा भी ले लिया डिज़ाइन का भी, प्रिंट का भी, अब वो डिज़ाइन आपके पीसी में पड़ा है, ठीक है? तो अगर आपके पीसी में पड़ा है तो उससे आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी डिज़ाइन से आप हमारी साइट पर उस डिज़ाइन को अपलोड करके और कितना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या है? अगर वो आपके पीसी में 6 महीना और साल भर तक पड़ा है तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके आप tibahadurpur.com पे अपनी आईडी बना लेंगे वेंडर, या फिर हमारी दूसरी नई साइट भी तैयार हो रही है उस पर भी आईडी बना लेंगे और उसी डिज़ाइन को वहाँ अपलोड कर देंगे, तो फिर उससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जो मंथली भी अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो छोड़ के कुछ दिन के बाद पैसा ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जा रहा है। अगर आपको मंथली लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मंथली पेमेंट ले सकते हैं। पहले तो था कि हम जब आप विड्रा करेंगे तब दे देंगे, और मंथली में भी हमने पहले स्टार्टिंग में 100 रुपया भी देना शुरू कर दिया था, क्योंकि नए लोग जब आते हैं ना डिज़ाइन डालने तो उनको यकीन नहीं होता कि भाई पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने 100 रुपया ही विड्रा रख दिया था, ताकि जिसका 100 रुपये का भी इनकम हो रहा है तो विड्रा कर ले और उसको 100 रुपया मिल जाता था। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे लोग साथ में जुड़ गए और सारे लोग को 100 100 रुपया भेजो, 100 100 रुपया भेजो, तो काफ़ी टाइम भी जाता था और 100 रुपया में कोई मतलब भी नहीं निकलता था, तो इसलिए मैंने उसका लिमिट अब 250 कर दिया है, यानी कम से कम आपकी 250 की अर्निंग होनी चाहिए तब आपको पहला पेमेंट मिलेगा। अब इसमें जिसको यकीन हो जा रहा है, जो एक दो बार पेमेंट ले ले रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना पेमेंट छोड़ दे रहे हैं ताकि पैसा कुछ ज़्यादा इकट्ठा हो जाए उसके बाद वो पेमेंट ले। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक भाई का जो 6 महीना तक अपना पेमेंट छोड़े थे, 6 या 5 महीना तक, तो उनका टोटल 20,000 का पेमेंट हुआ है। यानी आपकी वही डिज़ाइन जो आपके कंप्यूटर में 6 महीना पड़ी रहती तो 1 रुपये की भी उससे अर्निंग नहीं होती। और मान के चलो कि अगर किसी वजह से आपका कंप्यूटर खराब हो गया, फॉर्मेट हो गया, या कोई भी दिक्कत आ गई, तो फिर वो फाइल भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो आपका फाइल सिक्योर हो जा रहा है, आप दोबारा जब चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हाँ दोबारा डाउनलोड करने के लिए आपको भी पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा भी उसका तरीका है, जब साथ में काम करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। एक तो आपका फाइल सुरक्षित हो जा रहा है, और दूसरा 6 महीने के बाद भाई साहब का 20,000 का पेमेंट आया है। मैंने उनसे बोला है वीडियो बनाने को, अगर वो वीडियो बना के दे रहे हैं तो आपको मैं इसी में वो वीडियो दिखाऊंगा, साथ में आप प्रूफ भी देख सकते हैं साइड में या कहीं पर आपको चल रहा होगा, तो 20,000 का पेमेंट है। तो आप सोचो 6 महीने में 20,000 रुपये सिर्फ उस डिज़ाइन से, डिज़ाइन के आपने ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं, थोड़ी सी मेहनत करके, सिर्फ एक उसका इमेज बनाना है, CDR फाइल को फॉन्ट के साथ जिप फाइल बनाना है और tibahadurpur.com पे अपलोड कर देना है, या फिर हमारी दूसरी साइट kingpic.com आ रही है उस पर अपलोड कर देना है, ठीक है? आप अपलोड करके छोड़ दो, जिसको ज़रूरत होगी वो आएगा, क्योंकि नए डिज़ाइनर जो हमारे आते हैं ना, तो उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता कि किस तरीके से वो डिज़ाइन करें, ठीक है, या फिर आइडिया नहीं होता कि कैसा डिज़ाइन करें। तो दूसरी चीज़, या तो वो बैठेंगे बनाने तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा डिज़ाइन करने में लग जाएगा, तो उनको 15 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये में एक अच्छी खासी डिज़ाइन मिल जाती है बनी बनाई, सिर्फ जिसका नाम चेंज करके वो अपने कस्टमर को दे सकते हैं। साथ ही साथ थॉट प्रोसेस भी इसमें कम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी डिज़ाइनें दिख जाती हैं कि ऐसा बनाना है, तो थिंकिंग में भी टाइम वेस्ट नहीं होता, तो उनकी भी हेल्प हो जाती है, और उनकी हेल्प करके आपकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। तो आपने ये सब तो जान लिया, प्रूफ भी आपने हो सकता है देख ही लिया होगा, अब आपको वेट नहीं करना है। अगर आपको डिज़ाइन सेल करना है tibahadurpur पे, तो अभी मैंने वहाँ पे वेंडर वाला आईडी लॉक किया है, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिज़ाइन जो आपने अच्छी बनाई होगी, जो आप सेल करना चाहते हैं, एक बार हमको व्हाट्सएप पे दिखाएंगे, क्योंकि सारे लोग तो डिज़ाइन अपना नहीं सेल करेंगे ना। अब कुछ लोग ऐसा है जो ऑलरेडी नेट से ही डिज़ाइन उठाते हैं और उसी को बना रहे हैं, तो अब वही डिज़ाइन वो सोचे कि हम tibahadurpur पे सेल कर दें, तो भाई ये मुमकिन नहीं है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है? आप अपने से कुछ अच्छा डिज़ाइन बना रहे हो तभी सेल करके अर्निंग करोगे, तभी आपको पैसा मिलेगा, दूसरे की डिज़ाइन सेल करके आप पैसा नहीं कमा सकते। तो अगर आपने अपना कुछ बनाया है, अच्छा बनाया है और टेम्पलेट बेस्ड डिज़ाइन किया है, ये भी नहीं कि ऐसा आप डिज़ाइन डाल दें जो कोई खरीदे ही नहीं, तो आप 10 20 डिज़ाइन डाल दोगे, फिर आप देखोगे कि सर कोई अर्निंग ही नहीं हो रही है, तो आपका मन भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा, यार फालतू वेबसाइट है, कुछ बिकता वगैरह नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसी डिज़ाइन, तो कम से कम आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को हेल्प हो,
लोगों की जरूरत हो ताकि वो खरीदें, जब वो खरीदेंगे तभी आपकी इनकम होगी, और जब आपकी इनकम होगी तो आपको काम करने का मन करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका डिजाइन अगर सही लगेगा तो फिर आपको गाइडलाइन भेज दिया जाएगा कि इस हिसाब से आपको काम करना है। तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, खासतौर से प्रिंटिंग मीडिया पे काम करते हैं, तो फिर अपना टाइम वेस्ट न करिए, खाली समय में बैठिए, थोड़ा सा मेहनत करके ज्यादा कमाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, TR बहादुरपुर।